हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मस्त, वेरी गुड। डियर बच्चों, अभी तक की जो हम लोगों की क्लासेस चल रही थी उसमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया, समझा और उस पर हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किया, जिसमें कूलम्स लॉ की जो टॉपिक थी हम लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एज ए न्यूमेरिकल्स या फिर थियरी के रूप में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, कूलम्स लॉ की तरह ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऑलराइट, तो आज की टॉपिक है हम लोगों की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नोटबुक निकाल लीजिए और लगाइए हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग जो आप लोगों की आज की है, और हेडिंग है आप लोगों की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की नीड हमें क्यों पड़ी होगी? अगर पूछा जाए आपसे कि इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, तो आप बता सकते हो? बहुत ही सिंपल है बच्चों। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे कि जब फोर्स कैलकुलेट होना करना होता था तो आपके पास दो चार्ज बॉडी थी, एक के द्वारा दूसरे पे आप फोर्स कैलकुलेट करते थे और उसी तरीके से दूसरे से आप फर्स्ट पे कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे चार्ज बॉडी रखी गई है, मीन्स एक पूरा सिस्टम हो चार्ज का जिसमें n चार्ज पार्टिकल्स हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, ऐसे ही Qn तक पार्टिकल्स रखे गए हों, और आपसे पूछा जाए कि उस सिस्टम के द्वारा, उस कंप्लीट ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस पूरे टर्म को एक्सप्लेन किया गया किससे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मीन्स किसी एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस अगर रखे गए हैं तो उनके द्वारा जो नेट फोर्स हमें मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। क्लियर है? तो चलिए इसको डायग्राम और पिक्चर से समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में हमें एक्सप्लेन क्या करता है, ठीक है? तो आप देखिए, कंसीडर हम लोग कर लेते हैं कि एक सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड, ठीक है? और ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम में चार्जेस जो रखे गए हैं बहुत सारे चार्जेस हैं। एक है चार्जेस Q1, एक चार्ज बॉडी आपको दिख रहा है Q1 है, दूसरा सपोज कर लेते हैं कि ऐसे ही Q2 है, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं कि एक Q3 है, और ऐसे ही एक सपोज कर लिया जाए कि Qn है। एक सिस्टम है जिसमें आपको चार्ज बॉडी कितने दिख रहे हैं? Q1, Q2, Q3 एंड Qn, ऐसे ही बहुत सारे चार्ज बॉडी रखे गए हैं, ठीक है? तो इन सारे चार्ज बॉडी से टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स किसी भी एक चार्ज पे हमें कितना मिल रहा होगा, इस चीज़ को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है किससे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है? तो देखिए, इसमें सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज है Q0। अब इस Q0 के बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। इस Q0 को एक्चुअल में बोला जाता है टेस्ट चार्ज, ठीक है? टेस्ट चार्ज पे अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, घबराइए नहीं। तो आप देखो, अब हम लोगों को करना क्या है कि इस Q0 पे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से? Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से एंड Qn की वजह से, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, Q1 की पोजीशन देख लेते हैं। इस ओरिजिन से Q1 की जो पोजीशन है, सपोज कर लेते हैं कि पोजीशन कितनी है R1। उसी तरीके से Q2 की पोजीशन कितनी है, Q2 की पोजीशन दे रखी है R2। Q3 की पोजीशन कितनी है, Q3 की पोजीशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं R3। एंड Qn की पोजीशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं Rn, ठीक है? इन सेम वे Q0 की हम लोग पोजीशन को कंसीडर कर लेते हैं कि ये पोजीशन कितनी है R0, जिसे R0 बोला जाएगा, ठीक है? अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर किसी भी चार्ज पे आपको इन सभी चार्ज बॉडी के द्वारा अगर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इंडिविजुअली सब फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे। Q1 से Q0 पे जो फोर्स लग रहा है उसे कैलकुलेट करोगे, Q2 से Q0 पे जो फोर्स मिल रहा है वो आप फाइंड आउट करोगे, Q3 से Q0 पे जो फोर्स मिला है उसे निकालोगे, फिर उसी तरीके से Qn से Q0 पे जो फोर्स हमें फाइंड आउट हो रहा है उसको निकालेंगे, और इन सारे फोर्सेस को निकालने के बाद हम सबका क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है? तो आप देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज टोटल फोर्स
ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इस स्टेटमेंट को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, टोटल फोर्स सारे फोर्सेस जो हर एक चार्ज बॉडी के द्वारा उस चार्ज पे लग रहा है, उन सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब देखिए कंसीडर कर लेते हैं कि Q1 इस Q0 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स आपको मालूम है लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, तो Q0 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोगों ने दिखा दिया कि ये है F01, फोर्स ऑन 0/1। इन सिमिलर वे Q2 से जो फोर्स हमें मिल रहा है, Q2 से फोर्स को हमने दिखा दिया और इस फोर्स को कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, F02। वैसे ही Q3 से हमने फोर्स दिखाया और Q3 से जो फोर्स हमने दिखाया इसको कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, F03। और ऐसे ही इन सिमिलर वे F जो Qn है इससे आपको फोर्स मिल रहा होगा और इस फोर्स को हम लोग दिखा देते हैं कि ये फोर्स कितना है, F0n। तो आप देख रहे हो फोर्स कौन कौन से मिले, F01, F02, F03 एंड F0n। सो मैथमेटिकली इस टर्म को कैसे हम लिखेंगे, मैथमेटिकली F टोटल अगर हम फाइंड आउट करना है तो F टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F01 प्लस F02 प्लस F03 और ऐसे ही सारे फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। और यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस हैं तो उसके फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है क्या कि अगर टोटल फोर्स हमें किसी एक चार्ज पर निकालना है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, तो हर एक चार्ज से उस चार्ज बॉडी पर हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे और हर एक फोर्स का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। जैसे ही वेक्टर सम करेंगे इस Q0 पर हमें क्या मिलेगा, टोटल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस Q0 की, थोड़ा सा इसको नोट बना के आप ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स में इस चीज़ को मेंशन करना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। अब ये Q0 है क्या, Q0 जो बेटा होता है इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस चार्ज का हम लोग यूज़ करते हैं एग्जामिन पर्पज से, ठीक है। मीन्स अगर फोर्स कैलकुलेट करना है या फिर आगे आप जैसे ही बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो उस केस में एक चार्ज रखा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका जो साइन लिया जाता है हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो Q0 है क्या, Q0 एक ऐसा चार्ज होता है जो यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर एग्जामिन पर्पज़। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एग्जामिन पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं या फिर टेस्ट पर्पज़ से यूज़ करते हैं, एग्जामिन पर्पज़ या टेस्ट पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इसके साथ कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो Q0 है इसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 कूलम का होना चाहिए। अब इस दोनों स्टेटमेंट को देखो, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम। इसी वजह से, इन दोनों टर्म की वजह से इस ये जो Q0 है इसको बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप ध्यान रखोगे कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऐसा टेस्ट चार्ज हम लेंगे जिस टेस्ट चार्ज का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 कूलम का होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो हमें ये फोर्स मिल रहा है, अब फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मिटा दें इस डायग्राम को, ओके आइए। अब देखो F01 आपने देखा, F02 देखा, F03 देखा और F0n देखा, ठीक है। जब आप फोर्स देख रहे हो, F01 अगर कैलकुलेट किया जाए तो F01 क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q0 Q1 Q0 हो गए, Q1 से आप किस पे कैलकुलेट कर रहे थे, Q0 पे कैलकुलेट कर रहे थे, क्लियर है। Q1 Q0 अपॉन
आर 01 होल स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ 01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1Q0 अपॉन आर 01 होल स्क्वायर। इन सिमिलर वे आपको एफ 02 मिल जाएगा, एफ 02 क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q2Q0 अपॉन आर 02 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपको एफ 0n मिल जाएगा, और एफ 0n क्या मिलेगा, 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन R0n होल स्क्वायर। ठीक है, इन सारे टर्म को, सारे एक्सप्रेशन को अगर इसमें पुट किया जाए तो आप देखो फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, F टोटल। अब जैसे ही एडिशन करोगे आप देखो कुछ टर्म्स कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, Q0/4πε0। इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, Q0/4πε0, और ये टर्म अंदर क्या मिल जाएगा आपको, Q1/R01 होल स्क्वायर, Q2/R02 होल स्क्वायर, एंड ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा, Qn/R0n स्क्वायर। क्लियर है? तो जब भी आपको किसी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और, ये तो मान लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो जैसे कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को आपने वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट किया था वैसे ही इसको आप कन्वर्ट करोगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशंस क्या बताया गया था कि जो पोजीशन होगा उसके यूनिट वेक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है? इसको देखिए, इसका वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, वेक्टर फॉर्म, अब देखो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये एफ टोटल है, इस पर हमने वेक्टर लगाया। ठीक है, क्यू नॉट क्या है, स्केलर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4πε0 पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, अंदर देख रहे हो Q1 है, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो ये R01 का स्क्वायर है, ये क्या है, पोजीशन है, पोजीशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, R01 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे R01 कैप। एंड इन सिमिलर वे Q2 अपॉन मॉडुलस R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप, एंड Qn अपॉन R0n मॉडुलस स्क्वायर R0n कैप। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एनसीईआरटी में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उस न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करिए, और कुछ भी किसी टॉपिक में, जितने लेक्चर्स आज तक चले हैं किसी भी लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।